अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी महिला या किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर आपके शौहर हो या फिर आपकी माशूका हो या फिर आपके प्रेमी हो, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मौलाना जी का बहुत ही अचूक ये एक वशीकरण का अमल है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने इसे 2 दिन कर लिया तो आप चाहे जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके प्यार में पागल हो जाए तो आप उसे प्यार में पागल कर सकते हैं। वो आपके लिए तड़पने लग जाएंगी और आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी उन्हें कि आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाएंगी। तो इसे कैसे करना है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो अमल बताने वाली हूँ अगर आपने उसे सच्चे मन से कर लिया तो ये आपका जरूर काम करेगा और 2 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो माशूका है, आपकी बीवी हो सकती है या फिर आपकी प्रेमिका हो सकती है, आप इसे अपने शौहर पे भी कर सकते हैं तो आपके शौहर भी आपके दीवाने हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक मुट्ठी गेहूं लेना है, साबुत गेहूं आपको ले लेना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर एक मंत्र बोलना है। जब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो उसके बाद आपको अपनी मुट्ठी के ऊपर फूंक मारनी है। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को करने से पहले आपको वजू कर लेना है और एक जगह पर बैठ जाना है जहां पर आपको कोई भी रोके टोके ना। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके आसपास में कोई ना हो जो आपको पूछे कि आप ये क्या करने वाले हैं। पूरे ध्यान के साथ, पूरे आपको अकेले बैठकर फोकस के साथ इसको करना है। और इसमें एक बात का खास ख्याल आपको रखना है, वो ये कि आपको जो अपना फेस रखना है वो आपको वेस्ट की तरफ रखना है और उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले एक मुट्ठी गेहूं ले लें अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में आपको एक मुट्ठी गेहूं लेना है और उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है या आराजभू तत् वश, ये आपको सिर्फ 7 बार बोलना है। 7 बार बोलने के बाद आपको अपनी मुट्ठी के ऊपर फूंक देना है। मुट्ठी पे फूंकने के बाद आपको क्या करना है कि उस गेहूं को एक जगह पर रख लेना है और इसी तरह से आपको अगले दिन भी करना है। अगले दिन भी वजू कर लें और उसके बाद एक मुट्ठी गेहूं ले लें और उसे अपने हाथ में रखकर 7 बार इस मंत्र को बोल दें। मंत्र बोलते टाइम एक बात का और ख्याल रखना है कि जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका ही आपको ख्याल रखना है, अपने मन में आपको उसी के बारे में सोचना है और उसके बाद आपको इसका पूरी तरह से इसे फॉलो करना है। इसके बाद जब आपने उस मंत्र को अपने हाथ पर, अपनी मुट्ठी पर दम कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों मुट्ठी गेहूं जो आपका इकट्ठा हो चुका होगा उसको आपको बाहर जाना है अपने घर से और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर उसको जलाना है। तो किसी भी सुनसान जगह पर चले जाइए और उसके बाद गेहूं को आपको सबसे पहले वहां पे थोड़ी सी आग लगा लेनी है और उसके बाद उस गेहूं को डाल देना है। ये करने के बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है और फिर से वजू कर लेना है। यकीन मानिए ये इतना ज्यादा पावरफुल अमल है कि जैसे ही आप इसे करेंगे 2 दिन के अंदर अंदर आप जिसका भी तसव्वुर करके इसे कर रहे होंगे वो आपके वश में होगा, चाहे वो आपसे बहुत दूर रहता हो या फिर आपके घर में रहता हो, आप इसे इस अमल के द्वारा किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो आप इसे कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं।